मुंबई हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल। हर साल हजारों लोग इस सपनों के नगर में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। चंद किस्मत वाले लोग अपनी मेहनत और लगन से कुछ कर पाते हैं, बाकी उसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। साल 2008 में ऐसा ही कुछ सपना लेकर मारिया सुसाईराज मुंबई आई थी। केरला के कोची में मॉडलिंग और फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल कर चुकी मारिया को अब बॉलीवुड में अपना नाम करना था, पर किस्मत ने मारिया के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जाने अनजाने में मारिया 26 साल के नीरज ग्रोवर की मौत का कारण बनकर रह गई। वो भी कोई साधारण मौत नहीं, बल्कि मौत के बाद की एक दर्दनाक दास्ता जिसे जिस किसी ने भी सुना वो भौचक्का रह गया। इस पूरे केस की सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि कातिल को सजा के नाम पे कुछ मिला ही नहीं, और कातिलों के मुंह पर कोई अफसोस, कोई रंजिश तक नहीं दिखाई दी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को इतनी बेशर्मी से बताया, जिसके बारे में आप वीडियो के अंत में देख सकोगे। मारिया सुसाईराज और एमिल जेरोम मैथ्यू बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ में पले बड़े, स्कूल गए और एक दूसरे के प्यार में पढ़कर सगाई तक कर ली। जेरोम मैथ्यू नेवी में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर था, जबकि मारिया कन्नड़ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती थी। पर शादी से पहले मारिया को बॉलीवुड में अपना करियर बनाना था। बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का सपना लेकर साल 2008 में ही मारिया कोची से मुंबई आ गई। मुंबई आकर उसने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में खुद से जाकर अपना पोर्टफोलियो और ऑडिशन देना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक ऑडिशन के दौरान मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर एक 26 साल का हैंडसम बंदा था, जो कि उस वक्त सिनर्जी एडलैब्स प्रोडक्शन कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर काम करता था। ये वही प्रोडक्शन हाउस था जिसने उस वक्त SRK के साथ एक फेमस शो प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। इसी ऑडिशन के दौरान मारिया और नीरज की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब टेक्स्ट मैसेज से शुरुआत हुई इनकी दोस्ती, वक्त के साथ साथ गहरी होती गई और अब इन दोनों का मिलना रोज़ का हो गया। इधर मारिया के अपने बॉयफ्रेंड जेरोम से भी रेगुलर बात होती रहती थी और जेरोम भी कभी कभी मारिया से मिलने मुंबई तक आ जाया करता था। मारिया ने मुंबई के मलाड में धीरज अपार्टमेंट में अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया था। 6 मई की शाम नीरज ग्रोवर मारिया को अपना सामान नए फ्लैट में शिफ्ट करने में मदद करने के लिए आया हुआ था। यही सब करते हुए काफ़ी रात हो गई और नीरज ने उस रात वही मारिया के नए फ्लैट में रुक जाने का फैसला किया। उसी रात मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम ने मारिया से फ़ोन पर बात की। मारिया से फ़ोन पर बात करते हुए जेरोम को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मारिया के साथ उसके फ्लैट में कोई और भी मौजूद है। जब जेरोम ने मारिया को उसके बारे में पूछा तो मारिया ने बताया कि नीरज उसे घर शिफ्ट करने में मदद करने आया हुआ है। मारिया की बात सुनकर जेरोम काफ़ी गुस्सा हो गया। शक्की तो वो था ही। जेरोम ने मारिया से नीरज को वापस भेज देने के लिए कहा और कहा कि नीरज को रात रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे अगर मदद करनी हो तो कल सुबह आ जाए। मारिया ने जैसे तैसे जेरोम को समझा के फ़ोन तो रख दिया, पर नीरज भी जाने वाला नहीं था। जेरोम का फ़ोन काट के मारिया और नीरज दोनों मारिया के बेडरूम में सो गए। अगली सुबह करीब 7:30 बजे मारिया के फ्लैट की डोरबेल बजी। मारिया और नीरज अभी तक मारिया के बेड पर सोए हुए थे। मारिया को लगा कि शायद कोई दूध वाला या कोई पड़ोसी होगा। उसने ऐसे ही आंखें मलते हुए अपना दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम सामने खड़ा था। रात को मारिया से फ़ोन पर बात करने के बाद जेरोम को जब तसल्ली नहीं हुई तो उसने उसी वक्त कोची से मुंबई की फ़्लाइट बुक की और पहली फ़्लाइट में मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद वो सीधा टैक्सी करके मारिया के पते पर पहुंच गया। इधर जेरोम को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मारिया की हालत पतली हो गई थी। मारिया को दरवाजे से धक्का देकर जेरोम सीधा मारिया के बेडरूम में पहुँच गया। वहां जाकर उसने देखा तो नीरज अभी तक मारिया के बेड पर सोया हुआ था।
दरवाजे की घंटी और इन लोगों की बहस सुनकर नीरज की भी आंख खुल चुकी थी। नीरज भी जेरोम को अपने सामने देखकर घबरा गया। जेरोम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। दोनों के बीच तूतू मैमे होने लगी और हाथापाई पर उतर आए। इसी दौरान जेरोम ने नीरज को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और किचन में जाकर वहाँ से एक बड़ी सी छुरी ले आया और उसी छुरी से नीरज पर अंधाधुन वार करने लगा। कुछ देर तक तड़पने के बाद नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। शक और जुनून में नीरज ग्रोवर की हत्या करने के बाद कुछ देर तक जेरोम और मारिया यूं ही बैठे बैठे सोचते रहे कि नीरज की लाश का क्या किया जाए। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह के 10 बज गए। सुबह 10 बजे मारिया अपने फ्लैट से निकली और सीधा करीब के मॉल में गई। मॉल में से उसने दो बड़ी सी एयरबैग, बेडशीट, कर्टेंस और किचन नाइफ तक खरीदी। मतलब उसने वो सारी चीज़ें नहीं ले ली जिस पर नीरज के खून के ज़रा से भी सबूत मौजूद थे। मॉल से घर जाकर दोनों ने नीरज की लाश को किचन में लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। जेरोम लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और मारिया उसे छोटी छोटी बैग में भरकर बड़ी सी एयरबैग में भरने लगी। ऐसा करते हुए इन लोगों ने नीरज की लाश के करीब 300 टुकड़े कर दिए और दो एयरबैग में भर लिया। इन्होंने पूरे घर की सफाई की, यहाँ तक कि बेडशीट और खिड़की के पर्दे तक बदल दिए। ये सब करते हुए शाम हो गई। मारिया ने अपने एक दोस्त से अपना फ्लैट शिफ्ट करने के इरादे से उसकी गाड़ी ले रखी थी। इन्होंने दोनों एयरबैग को उस गाड़ी में रखा और वहाँ से निकल गए। रास्ते में उन्होंने पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल खरीदा और थाने के पास वाले जंगल इलाके में नीरज की लाश को ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। कुछ देर तक वही दोनों नीरज की लाश को जलते हुए देखते रहे। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि नीरज की लाश जल गई है, तब जाकर दोनों वापस मारिया के फ्लैट पर आ गए। उस रात दोनों ने मारिया के बेडरूम में रात बिताई और अगली सुबह जेरोम फिर से कोची चला गया। नीरज ग्रोवर 2 दिन से लापता था। 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आया था और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। नीरज के दोस्तों ने मिलकर 9 तारीख की सुबह पुलिस में नीरज के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने सबसे पहला काम नीरज के फ़ोन को ट्रेस करने का किया। अब जाहिर सी बात थी, नीरज का आखिरी लोकेशन 7 मई की सुबह मारिया के फ्लैट में दिखा रहा था, तो पुलिस ने सबसे पहले मारिया को पूछताछ के लिए बुलाया। मारिया ने अपने पहले बयान में पुलिस को बताया कि नीरज 6 तारीख की शाम मारिया को शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आया तो था, पर रात 9:30 बजे वहां से चला गया था। जब नीरज के फ़ोन के लोकेशन के बारे में मारिया को पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि जाते वक्त नीरज अपना फ़ोन उसके फ्लैट में ही भूल गया था। पुलिस ने मारिया को काफ़ी अलग अलग एंगल से पूछताछ की, पर मारिया कैसे भी करके पुलिस को घुमाती रही। ऐसे में नीरज के पिता अपने गांव से मुंबई आ गए और नीरज के लापता होने के बारे में CBI जांच की मांग करने लगे। नीरज का केस अब CBI को सौंप दिया गया। पुलिस के पास एक कड़ी ये भी थी कि 7 मई की जल्दी सुबह नीरज के फ़ोन नंबर से उसके कलीग को बिजनेस कार्ड SMS के जरिए भेजा गया था, तो अगर नीरज वहाँ अपना फ़ोन भूलकर भी चला गया हो तो नीरज के नंबर से वो मैसेज किसने भेजा था। जब मारिया के पास से पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने मारिया के फ्लैट के आसपास अपनी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने उस अपार्टमेंट के वॉचमैन से पूछताछ की। वॉचमैन ने बताया कि 7 तारीख की शाम मारिया किसी मर्द के साथ 2 बड़ी एयरबैग्स लेकर निकल रही थी। साथ ही पुलिस ने मारिया के डेबिट कार्ड रिकॉर्ड और फोन रिकॉर्ड खंगाले। मारिया के डेबिट कार्ड रिकॉर्ड्स में पुलिस ने पाया कि मारिया ने उसी सुबह अपने बगल के मॉल से नई बेडशीट, कर्टेंस और किचन नाइफ खरीदी थी, जबकि मारिया की कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस ने पाया कि पिछले 3 दिन में मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम से 1000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल किए थे। पुलिस ने अब मारिया से कुछ सख्ती से पूछताछ की। पुलिस ने जब इन सारे तथ्यों को सामने रखा तो मारिया पिघल गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने अब कोची में जेरोम के नेवल बेस में कॉन्टैक्ट किया और उसे मुंबई बुलाया। पुलिस के बुलावे पर जेरोम ने बताया कि उसे वैसे भी मुंबई में ट्रेनिंग के सिलसिले में आना है, तो उस वक्त हाजिर हो जाएगा। पर इसके बावजूद पुलिस ने अपनी एक टीम
कोची भेजकर जेरोम को गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद जुलाई 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जेरोम को नीरज की हत्या के मामले में दोषी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें से 3 साल की जेल तो वो काट ही चुका था और अब उसे सिर्फ 7 साल जेल में बिताने थे, जिसके बाद शायद सन 2018 में वो जेल से रिहा भी हो गया होगा। जेरोम को इतनी मामूली सजा सुनाते हुए सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि नीरज की हत्या कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था, बल्कि गुस्से में किया गया मर्डर था। जेरोम का फैसला सुनाते वक्त जज शायद ये भूल गए होंगे कि नीरज की हत्या करने के बाद इन लोगों ने उसके जिस्म के करीब 300 टुकड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, मारिया को तो इससे भी कम या बिल्कुल ना के बराबर सजा सुनाई गई। मारिया को सेशन कोर्ट में सबूत मिटाने के जुर्म में 3 साल जेल की सजा सुनाई, जो कि उस वक्त तक मारिया 3 साल जेल में काट भी चुकी थी, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। मारिया को नीरज के मर्डर में शामिल ही नहीं किया गया, हालांकि नीरज की मौत में सबसे बड़ा हाथ तो शायद उसी का ही था। सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में काफ़ी हंगामा हुआ। लोगों ने इस फैसले के खिलाफ कई तरीके से विरोध प्रदर्शित किया। नीरज के परिवार वालों के लिए ये फैसला घाव पर नमक लगाने वाला था। जब नीरज के पिता से पूछा गया कि क्या आप अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, तो जवाब में नीरज के पिता ने बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे का केस लड़ सकूं। तो ये था मुंबई का मशहूर नीरज ग्रोवर मर्डर केस। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको ओमेमा नेल्सन वाला ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसने अपने पति का शारीरिक संबंध के दौरान मार के उसकी लाश के कुछ टुकड़ों को खा तक गई थी।